सुबह के 8 बज रहे हैं भाई, मस्त उठे हैं अभी। होटल का है बालकनी व्यू, वो होटल है हमारा, रूम है होटल का, होटल का नाम विस्परिंग वैली है। भाई क्या गजब ठंड है, मज़ा आ गई यार, ठंडा लग रहा है भाई। तो ऐसा कुछ व्यू है, देखिए सामने बढ़िया सनराइज़ हुआ है। हम लोग 3 बजे सोए हैं और 8 बजे मेरी नींद खुल गई है इस शोर से। नदी का कितना बढ़िया शोर है, ब्यास रिवर है जो बहुत सूखी सूखी सी लग रही है। 20 साल पहले मम्मी पापा लोग आए थे, बता रहे थे कुछ ज़्यादा ही खतरनाक थी। खैर यार, ब्यूटी मैन, ब्यूटी, वाओ नाइस। अच्छा, स्नो पीक माउंटेन्स, वंडरफुल। होटल काफ़ी अच्छा है ये। असल में मम्मी पापा लोग जब हमारे आए थे 20 साल पहले घूमने यहाँ पे, तब इसी होटल में रुके थे, वही हम लोग ने देख के किया है। बाकी अच्छा है व्यू, जस्ट पहाड़ के नीचे है ये। हम लोग का 5th फ्लोर पे है और मम्मी से 1st फ्लोर पे, वो भी बालकनी व्यू है, अच्छा है काफ़ी। बाकी रही बात कैब की, तो कैब का देखते हैं अभी क्या करना है, क्योंकि बहुत भसड़ हो गई है भाई रात को। वो बंदा इतना बेकार बंदा था ना, उसके साथ उसने इतना परेशान किया, दारू पी रहा है गाड़ी में ही, फिर सिगरेट भी फूंक रहा है, बड़ा बेकार था यार। चेंज करेंगे, ठंडी है भाई। चलिए मिलते हैं आगे, बताते हैं कैसा है क्या है, थोड़ा फ्रेशन अप हो जाए। अभी अभी उठे हैं, थोड़ा आंखों में नींद चढ़ी हुई है। बाय। ये है विस्परिंग वैली होटल, अब आपको फैमिली मेंबर से मिलाते हैं। ये मामा है, बताओ कैसी लग रही है। अमेजिंग व्यू, बहुत अच्छा व्यू है यहाँ का। होटल कैसा है? सुबह की जो उठे हैं और फिर यहाँ का नज़ारा देखा है, बगल में ब्यास नदी है और बह रही है, दिखाइए जरा। बताओ मामी, ये न्यूली वेड मामी हमारी, बताइए, देखिए इधर। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है ना। नानी बहुत अच्छा, नाना बहुत अच्छा, बस बहुत अच्छा, बढ़िया। नहीं है नाना, पहली बार आ रहे हैं हमारे मनाली। पापा जी हमारे, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन रात में इतनी ठंडक थी, मैं कड़कड़ा गया एकदम से, जो है बहुत कपड़े कब पहने हुए, ठंड आ गए बिल्कुल। ठंड नहीं होगी मम्मी, बताओ। बहुत ठंड थी। खुशी, ये छोटी बहन खुशी, बताओ कैसे लग रही ट्रिप? खुशी पहली बार आ रही है मनाली, हम लोग पहले आ चुके थे, तब ये मम्मी के पेट में थी, तब आए थे हम। अब पेट के बाहर हो गई है। और सेम होटल में ही स्प्रिंग वैली 20 साल पहले, मैं तो बहुत छोटा सा रहा हूँ। कब आए थे? आज से 16 साल पहले यहाँ पर आया था, तो दिसात बहुत छोटा था, 16 साल पहले। छोटी वाली बहन वो थी, लेकिन तीसरी वाली थी ही नहीं, थी ही नहीं, अभी आएगी, उससे भी मिलवाऊंगा आपको शिक्षा से। ये भी हुआ है, देखिए ये भी हुआ है आपको मनाली का, एक मिनट आपको दिखाते हैं। अमेजिंग व्यू, दोबारा से व्यू देखिए, यहाँ है ब्यास रिवर, पानी कितना क्लियर है, आप नीचे मतलब नीचे आप देख सकते हैं साफ साफ, फ्लो कम है थोड़ा, वो देखिए आइस पीक माउंटेन। फिलहाल हम लोग अभी आज ये मनाली साइट सीइंग करेंगे, हिडिम्बा टेम्पल वगैरह जो 2-4 टेम्पल हैं वो करा जाएगा, आराम से रहेंगे। ये होटल हम लोग अभी बुक कर लेंगे 2-3 दिन के लिए आराम से, इसके बाद बुक करने के बाद भी हम लोग फिर रोहतांग से होते हुए जिस्पा कल मॉर्निंग में निकलेंगे, और फिर जिस्पा में होटल बुक है हमारा, वहाँ देखना है कि स्टे करेंगे कि नहीं करेंगे, कैसी ठंड है, क्योंकि हम लोग तो बेसिकली रुक सकते हैं, लेकिन मम्मी पापा नाना नानी के लिए ट्रबल हो सकता है,
वहाँ पे माइनस टेम्परेचर है जैसा लोग बता रहे हैं। चलिए देखते हैं कैसा रहता है। बाकी फ़िलहाल यही है, मनाली से निकलेंगे, साइट सीइंग करेंगे, फिर जिस्पा जाएंगे, जिस्पा में रोहतांग, और फिर जिस्पा से होते हुए बारह लच्छाला पास, जो मैं होप करता हूँ कि ओपन रहे, क्योंकि वहाँ पे भी अभी सुनने में आया स्नोफॉल हुई थी तो रास्ते बंद हो गए थे। अभी आर ओ ने अगर क्लियर करवा दिया होगा तो फिर जाने को मिल पाएगा, वहाँ का भी दिखाएंगे आपको। बाकी व्यू देखिए आप। ब्रेकफास्ट आ चुका है, ऐसा है सैंडविच, बॉइल्ड एग्स एंड सैंडविच, और चाय रहेगी। सैंडविच खा के बताते हैं आपको कैसा है। ये देखिए नाइस, दिखने में तो बढ़िया लग रहा है यार, गुड। यार ब्रेड ऑमलेट मंगवाओ ना यार, यहाँ पे देख सकते हैं आप हमारे मामा जो हैं, हमारी प्योर वेजिटेरियन मामी को ज़बरदस्ती सो कॉल्ड वेज अंडा खिलाने की कोशिश करते हुए, और मामी बहुत जोरों से उनको रोक रही हैं। अब जल्दी से आप लोग बताइए कि मामा खिला पाएंगे कि नहीं खिला पाएंगे मामी को, जल्दी जल्दी जल्दी। हार गए मामा, यस। तो हम लोग निकल चुके हैं साइट सीइंग के लिए, जस्ट होटल के बाहर हैं, और आपको व्यू दिख रहा था बहुत क्लोजली। ये व्यू है बहुत ही शानदार, एकदम सुंदर। पानी देखिए आप कितना साफ है। आपको होटल दिखा देते हैं, ये हम लोग का होटल है विस्परिंग वैली रिजॉर्ट, वो है जहाँ से ऊपर सब लोग फ़ोटो खिंचवा रहे थे। ऐसा कुछ व्यू है यार, मजा आ रही है। और ये रही हमारी कैब आती हुई, कैब आ गई है। संदीप जी हमारे ड्राइवर साहब हैं। तो अपडेट मुझे देना था, जो मैटर हमने आपको बताया था कल कि क्या हुआ था, जो बंदा था ड्राइवर के साथ, उसने काफ़ी दारुआ रुपी के मतलब रोकस क्रिएट किया था गाड़ी में, और हम लोग अनकंफर्टेबल हो गए थे। तो सुबह मैंने वो जिनसे मैंने कैब बुक करवाई थी, इजी ट्रिप फॉर यू, तो उनसे बात हुई, अमन शर्मा जी हैं, काफ़ी पोलाइट हैं, अच्छे हैं वो, उनसे बात करी, उन्होंने सुना मेरी बात, पूरी प्रॉब्लम सुनी, फिर उन्होंने उससे ड्राइवर से बात करके जो बंदा था उसको हटवा दिया, कहा कि हमें जानकारी थी नहीं, आप ऐसे किसी को बिठा नहीं सकते हो क्योंकि कैब हमने ओवरऑल बुक करवाई है। तो बस ये है, बाकी उसको भेज दिया वापस। अब खाली आपने देखा होगा वीडियो में संदीप जी आए थे, अकेले आए थे। बाकी देखते हैं आगे कैसी रहती है ट्रिप। वो हमारी फैमिली बिजी है फ़ोटो खिंचवाने में, दूसरों को प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है रास्ता जाम करके, जो ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी मैं सबको डांटता हूँ, ए चलो सब लोग, कैब आ गई है, बैठा जाए फटाफट। वो रहा विस्परिंग वैली, दूर से होटल, कितना शानदार है आप देखिए। अरे भैया हिडिंबा टेम्पल, जो हम लोग इन रूट हैं हिडिंबा टेम्पल। ये रही माल रोड, माल रोड सामने आ चुके हैं हम लोग। मद्रास कैफे ब्लैक एंड वाइट, वाओ यार, मनाली स्पेशल। फाइनली आ चुके हैं हिडिंबा टेम्पल, कुछ यहाँ पे व्यू Nice,
हिडिंबा टेंपल आ चुके हैं। हिडिंबा टेंपल अच्छी खासी भीड़ है यार, ऑफ सीजन होने के बावजूद। जय हिडिंबा माता। मंदिर के अंदर फोटोग्राफी मना है, सो आप लोग फोटोग्राफी मत करिएगा। चारों तरफ का व्यू दिखाते हैं आपको, व्यू तो अच्छा है। लाइन लंबी लगी हुई है टेंपल में जाने की, लंबे लंबे देवदार के ट्रीज हैं यहाँ पे। सो काफ़ी अच्छा आर्किटेक्चर था। ये रहा तो कुछ माँ हिडिंबा देवी, भीम की वाइफ बोला जाता है इन्हें, सब तो जानते ही होंगे, महाभारत तो देखी ही होगी सपने। ये कुछ घर बने हुए हैं यहाँ पे, ढोल वगैरह टंगे हुए हैं। अभी एक मस्त सीन हुआ है, सो कर आ गए हैं और वो नानी हमारी नाना को ढूंढ रही है पर्पल टोपी में। ये देखो दिख गए। किसको ढूंढ रही नानी? पापा कहीं हैं। अच्छा मिल गए। हाँ चढ़ चढ़ गए। उठाओ 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 उठाओ। अरे आ गया गिरोगे। और क्या? उठा लिया उठा लिया उठा लिया उठा लिया। ये एग्जिट कर चुके हैं, हिडिंबा देवी टेंपल से आपको दिखा दे कैसा है। ये है यहाँ पे, अभी हम आ गए हैं। जस्ट छोटी सी एक नदी है उसके पास में, ओल्ड मनाली है। ये जिपलाइन हो रही है, देखिए कैसे डुबाया जा रहा है लोगों को सरेआम। वो भी जिपलाइन हो रही है आगे, देखिए। तब भयंकर हो रहा है यार, मतलब आप देख सकते हैं पूरा डुबा दिया जा रहा है। ये देखो यहाँ पे फोटो। हाय, फाइनली हम लोग आ गए हैं मॉल रोड। आप देख सकते हैं व्यू अच्छा है। पैराग्लाइडिंग, बाकी पैराग्लाइडिंग, आई नो पैराग्लाइडिंग हो रही है यहाँ से, नहीं सोलांग से हो रही होगी। बाकी हम लोग वशिष्ठ टेंपल गए थे बट वो बंद था, पार्किंग वहाँ फुल हो गई थी इसलिए उसने वापस कर दिया। हमारे पास एक और दिन है मनाली घूमने का, तब हम लोग वशिष्ठ टेंपल घूमेंगे। मॉल रोड नाइस एंड स्वीट। मुझे लगता है मेरी मामी को मोमोज दिख गए हैं, अब चलिए मोमोज ट्राई कर लिए जाएं। लो भाई खाने पंजाब, मम्मी जी मिल्क पीने वाली हैं। क्या लेना है मम्मी? मनाली, मैं सोच रहा हूँ इसको ट्राई करूँ, मनाली मोमोज कैसा होगा। ठंडी बढ़ रही है धीरे धीरे, मजा आ रही है।
कुल्लड़ पिज्जा लार्ज पनीर। ये देखिए इन दोनों का रिचार्ज ही नहीं हो पा रहा है, मामी का रिचार्ज नहीं हो पा रहा है, मामा परेशान है बहुत रिचार्ज करवाने के चक्कर में। ये देखो